तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे इस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। फाइनली आ चुके हैं हम लोग दानकुनी में 2023 कलेक्शंस को दिखाने के लिए। भाई काफी दिनों के बाद हम दानकुनी वगैरह जो है विजिट कर रहे हैं, और पहला खटाल हम लोग जो जाने वाले वो है उमर फारूक भाई का 2023 कलेक्शंस दिखाने के लिए। तो अभी देख सकते हो मेरे पीछे जो है, अभी जस्ट हम आए हैं और अभी जा रहे हैं उमर फारूक भाई का खटाल, जो कि पूरा का पूरा आप लोगों को कवर करके दिखाएंगे। वहां का कलेक्शन आखिरकार है कैसा, वहां पर जो है 2023 के लिए किस तरह से जानवर रखे जा रहे हैं, वो सब आप लोगों को आज हम बताएंगे और आप लोगों को भी देखने में काफी मजा आएगा। तो अभी हम लोग देखो जा रहे हैं, और काफी मतलब पहले ही गली में जो पड़ता है फारूक भाई का खटाल, तो सब दिखाएंगे अभी मोड़ कहां से मुड़ना है। वैसे तो प्रीवियस वीडियोस में काफी बार बोल चुके हैं कि कैसे आप लोगों को जो है फारूक भाई का खटाल जाना, लेकिन फिर भी आज आप लोगों को हम बता देते हैं। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर अच्छा लगता है, क्योंकि सपोर्ट आपका है इसीलिए तो हम और आप लोगों को जो है एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं ना। तो लाइक ठोक दिया करो एंड शेयर करना इस ब्लॉग को जरूर करना अपने दोस्तों में, जो जो काव लवर्स उनके साथ शेयर करो यार। देख सकते हो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, चलते हैं हम जब फर्स्ट गली आता तब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों को कैसे जाना है फारूक भाई का खटाल। देखो ये है रोड जो कि आता है आप लोगों का दानकुनी फर्स्ट गली, ठीक है, और ये आगे चले जा रहा है स्ट्रेट, ठीक है। तो आप लोगों को अगर फारूक भाई का खटाल जाना है फर्स्ट गली दानकुनी का, तो आप लोगों को यहाँ से जो है ये गली के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रेट नहीं जाना है। यहाँ से जो ये गली मोड़ रहा है यहाँ से आप लोगों को जाना है, और फारूक भाई का जो है खटाल यहीं से पड़ेगा। फर्स्ट गली की अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ से आ रहे हो तो ये रोड से आओगे अगर आप लोग, तो याद देखो ये वाला बिल्डिंग को नोट आउट कर लो, ठीक है। ये वाला बिल्डिंग जो है आप लोगों को इसी रास्ते में जो है मुड़ जाना है, ठीक है। तो चलो हम लोग अंदर चलते हैं, और देखो अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब दो गली आप लोगों को दिखता होगा, अब यहाँ से भी हम लोगों को ये वाला डायरेक्शन का अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ मत चले आना, यहाँ जाना हम लोगों को इसके अंदर फारूक भाई का खटाल जाने के लिए दानकुनी फर्स्ट गली। तो चलो अंदर चलते हैं, अब आ चुके हैं हम लोग दानकुनी फर्स्ट गली, ठीक है। जो राइट डायरेक्शन में हम लोग मुड़े उसके बाद यहाँ पर सीधा आप लोगों को दिखता होगा ये है फर्स्ट गली, और स्टार्टिंग में ही जो है वो फारूक भाई का जो है फार्म है, ठीक है। और अब बहुत दिनों के बाद जो है हम विजिट किए हैं दानकुनी, और उम्मीद करते हैं कि आज का जो कलेक्शन हम आपको दिखाएंगे फारूक भाई का 2023 कलेक्शन वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो लाइक ठोक दो यार, यहाँ से भी हम लोग अब जो है कलेक्शन दिखाना शुरू करेंगे। तो चलो अब डायरेक्ट फार्म में मिलते हैं। हाँ तो भाई आ चुके हैं फिलहाल फारूक भाई के खटाल, और यहाँ पर पीछे देख सकते हो भाई पूरा का पूरा फारूक भाई का जो है फार्म है दानकुनी का। और यहाँ पर भाई 2023 का माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है, और ये जो है आप लोगों को मैं पूरा व्लॉग देने वाला हूँ, काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में तीन जानवर निकालेंगे, जिसमें से लास्ट वाला बहुत ही बेहतरीन होगा, वो यूनिक होगा, उसे मिस मत करिएगा। लेकिन पहले दो जो गाय दिखाने वाले हैं हम फर्स्ट और सेकेंड, वो बहुत ही बेहतरीन है भाई, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। कमेंट में लिखिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगता है। तो पूरा देख सकते हो मेरे पीछे फार्म है, और एक जानवर जो बहुत ही बेहतरीन है वो एकदम लास्ट में दिखाएंगे इस पार्ट का। और पहले नंबर जानवर की तरफ हम लोग मूव करते हैं, फर्स्ट जानवर आप लोगों को दिखाते हैं फारूक भाई का। चलो दिखाते हैं पहला नंबर जानवर 2023 कलेक्शन ऑफ दानकुनी, लेट्स गो। दोस्तों पहला नंबर जानवर आप सबके सामने जो है ये आ चुका है, और इसका जो इतना भारी है ये कि मैं क्या बताऊँ। तो जब ये फारूक भाई का जब फार्म में आया था तो मुझे बहुत ही डिफरेंटली लग रहा था, लेकिन अब जब आया माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है जानवर। और फ्रेम देख सकते हो यार, जो भारीपन है इसका माशाल्लाह, कॉम्पैक्ट फ्रेम में, छोटा फ्रेम में वो इतना यूनिक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पूट देखो यार कहाँ जा रहा हो ये होए, और मैं आपको पीछे से दिखाने की कोशिश करता हूँ जो इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है, ये देखो मतलब गुलाबी हो रहा है जानवर, इतना खूबसूरत कि मैं आपको क्या बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जानवर का क्वालिटी देखो यार, मतलब वाइट कलर में माशाल्लाह, पूरा फुल वाइट जानवर देख सकते हो, जैसे आप लोगों को दिखता होगा। पीठ देखो यार एकदम स्ट्रेट माशाल्लाह, और पूंछ की जो बनावट है, जो पूंछ का जो बनावट है इतना खूबसूरत और भारी, पीक है पूरा का पूरा, लेंथ में नहीं मतलब पीक है पूरा एकदम। जब जानवर निकलेगा ना भाई माशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा आप लोग का देख करके, देख रहे हो क्वालिटी फारूक भाई का क्वालिटी है भाई ये वाला माशाल्लाह। ये कुछ फुल फ्रेम में आप लोगों को जानवर दिख रहा है, जो ये पोर्शन से ये पोर्शन तक आप लोगों को व्यू दिख रहा है, मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा भारी जानवर ये। और आने वाले दिनों में तो आप लोगों को ये और इम्प्रूवमेंट दिखाएगा, ये आप लोगों को जस्ट समझ लो भाई कि आप लोग जो देख रहे हो इससे भी अच्छा होने वाला माशाल्लाह। लेकिन अभी जो है ना भाई गुलाबी हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ स्किन है वो सबसे अच्छा लग रहा है मुझे इस फार्म का। फेस दिखाएंगे यार माशाल्लाह, फेस देखो, खूबसूरती जो है वो आंखों से आप लोगों को दिखती होगी माशाल्लाह। जो झालर का बनावट है, जो लटका हुआ झालर है, पूरा निकलते संग जो झालर आया है वो यूनिक लग रहा है। पूट देखो यार कहाँ जा रहा है माशाल्लाह,
तो ये जो पोर्शन है इसका पीछे का, ये वाला जो देख रहे हो ना, जो गोल है, पूरा गोल है, और मैं आपको पीछे से अच्छे से दिखाता हूँ जो गुलाबी मैं किसको कह रहा हूँ। ये देखो, अगर पीछे से तुम लोग देखोगे, अगर मैं पूरा एक हाथ ना अपने इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तब भी ये पीठ कवर नहीं होगा, इतना भारी ये जानवर माशाल्लाह। ये क्वालिटी देख रहे हो, मतलब यहाँ से हर एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जानवर को, ताकि आपको व्यू मिले, ठीक है। देख ही सकते हो यार, जो भाड़ा है जानवर ये वाला, तो कहाँ जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो उसका फेस में जो मुक्कस बंधा हुआ, वो और एक अट्रैक्शन खींच रहा है, समझ रहे हो, माशाल्लाह। झालर का बनावट देखो, ये देखो झालर का जो बनावट है, ये जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये एक अट्रैक्शन जो खींच रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। पूरा देख सकते हो, ऊपर से निकलते संग जो नीचे पूरा गोल बना है, ओए होए माशाल्लाह। फेस ही इसका ये पोर्शन से लेकर के ये पोर्शन था कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा इसका। ये देखो जो झालर का बनावट और खूबसूरती आंखों की, और उसके साथ जो स्किन का क्वालिटी है, वो बहुत ही अच्छा है जानवर। अब आपके सामने जो है ये चल के दिखाएंगे, जो पहला नंबर जानवर है अब ग्राउंड में आ रहा है, माशाल्लाह भाई, जो क्वालिटी है इसका, यूनिक क्वालिटी। और मुझे जब चलता है ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है भाई, दिल से बोल रहा हूँ आप लोगों को, इतना खूबसूरत लगता है ये, मैं आपको क्या बताऊँ। जानवर देखो, भैया जो है अब इसे जो है आस्ते आस्ते लेकर के जा रहे हैं। ये देखो यार, ये चल रहा है तब कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह। बस अब सामने दानकुनी क्वालिटी भाई, फारूक भाई का, ये देखो भाई, ओए माशाल्लाह। जो झालर का बनावट और भारीपन के साथ जो कॉम्पैक्ट फ्रेम आ रहा है, इसको ही समझ में आ रहा है। हाँ बांध दीजिए भाई, बांधिए। ये देखो, इसे कहते हैं टॉप क्वालिटी जानवर। अगर आप फार्म मेंटेन करते हैं ना, तो ये भारीपन आपके फार्म में एक होना चाहिए, जो यूनिक पीस होता है। और ये जानवर की सबसे अच्छी चीज़ है कि भारी बहुत है, देख लो भारीपन कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भारीपन है। और जो झालर का बनावट सामने से, ये देखो ये जो बना है ना भाई, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ओए होए माशाल्लाह। देख रहे हो, अब समझ में आया है, जानवर जब बंधा हुआ था उतना समझ में नहीं आ रहा था, जब निकला है, जब लाइट में आया है, तब समझ में आ रहा आप लोगों को। ये देखो, तो एक राउंड रोटेशन दिखाते हैं ताकि आपको एक आउटर व्यू पता चले। ये देखो, अब कहते हैं इसे जानवर का क्वालिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। फुल वाइट, गुलाबी हो रहा है, कहीं पर भी ब्लैकिश का दोस्तों दाग है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो बनावट हुआ है और भारीपन के साथ, और मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, ये और भारी होगा, एकदम गारंटी लिख लो हमसे, एकदम पूरा का पूरा ब्यूटी जो इसका निकलेगा आने वाले दिनों में, वन ऑफ द टॉप होगा। जो देख रहे हो ये पोर्शन देखो, कितना गोल मटोल है, कितना गोल है ये वाला, और सामने से सलामी और जो झालर का बनावट है, ओह क्या ही बताए। तो हम यही कहते हैं भाई, बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं फार्म में क्वालिटी। और फर्स्ट नंबर ये मैं इसीलिए आप लोगों को दिखाया कि जो भारीपन है इसका, शॉर्ट हाइट में बहुत यूनिक है, ठीक है। हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर जानवर की तरफ हम लोग आ चुके हैं, फारूक भाई का। और ये जो है पूरा का पूरा बहुत ही प्रीमियम जानवर है, मैं कह सकता हूँ आप लोगों को। जो इसका बनावट है, आप लोग को पीछे से दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बनावट जो है माशाल्लाह, जो चौड़ाई है ये वाला, ये पोर्शन का, इतना यूनिक है कि मैं क्या बताऊँ। ये पीठ की चौड़ाई देख रहे हो आप लोग, कम से कम 3 हाथ, माशाल्लाह। और भारीपन देखो यार, यहाँ से अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्वालिटी कैसा मेंटेन हो रहा है। इसे कहते हैं टॉप क्वालिटी ऑफ फारूक भाई फार्म, मतलब इतना भारी जानवर है कि मैं आपको क्या बताऊं, पूरा गेंडा हो रहा है, देख रहे हो। और मुझे इस तरह का जानवर पर्सनली बहुत पसंद है, जिसमें पीछे से इतना ज़्यादा चौड़ाई हो, माशाल्लाह। थोड़ा इसको यहाँ लेके आइए, ये देखो, मतलब इतना भारी जानवर कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखो जो चौड़ाई आ रहा है दोस्तों, ये पूरा पीछे से, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। और एक चीज़ मुझे देखने को मिल रहा है, जब जानवर का मैं ये इस पोर्शन को हिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना आराम से हिट हो रहा, टाइटनेस नहीं है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ मुझे लग रहा है। जैसे मैं ऐसा प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये काफ़ी जो है सॉफ्ट है, इससे बहुत अच्छा जो है फीलिंग आता है कि जानवर बहुत अच्छा खाया है जानवर और बना है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है दोस्तों। मुझे जानवर की चौड़ाई का तो आप लोग देख ही सकते हो, लफ्ज़ों में क्या ही बयान किया जाए, आप लोगों को देख के ही समझ में आता होगा। और ये भारीपन है यहाँ से, वाह। और ये पीठ की चौड़ाई देखो, देख रहे हो, मतलब 3 हाथ से भी ज़्यादा। भैया एक बार हाथ रखिए पीठ में इसका, ये देखो, भैया का एक हाथ रख देंगे कितने ही कवर होगा, मतलब 3 हाथ रखने के बावजूद भी कवर नहीं हो रहा, पूरा भैया का एक हाथ चले जा रहा है तब जाके कवर हो रहा है। इससे आप लोग समझ सकते हो कि इसका जो भारीपन हो किस लेवल में, पूरा पीठ स्ट्रेट माशाल्लाह। और चौड़ाई देखो, पीछे से साइड से दिखाने की कोशिश करते हैं, देख रहे हो, और पूरा भरा हुआ जानवर पूरा का पूरा, माशाल्लाह। और सलामी का जो चौड़ाई है विथ में ज़्यादा है जानवर का, ठीक है, सलामी का जो पोर्शन है जैसे देखने को मिल रहा है मुझे, विथ में ज़्यादा है,
ये काफ़ी अच्छा जो लगा मुझे, इसका जो चौड़ाई है पीठ का, बहुत भारी, बहुत भारी, अल्टीमेट लेवल माशाल्लाह। अब थोड़ा इसे साइड करते हैं, देख रहे हो चौड़ाई दोस्तों, मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। ये देखो अब आया है दोस्तों आपके सामने, ये पूरा मतलब ये पोर्शन से लेकर के यहाँ तक का भारीपन देखो। मैं इसके बारे में आप क्या बोलूँ, फारूक भाई को जो है पूरा क्रेडिट है, जो इतना बेहतरीन जानवर जो है वो तैयार किए हैं, हैट्स ऑफ। क्योंकि भारीपन को मेंटेन करना इतना अच्छा चौड़ाई के साथ मुश्किल होता है, लेकिन फारूक भाई वो करके दिखाए हैं तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा जानवर का झालर भैया सहलाइए तो एक बार, झालर देख रहे हो माशाल्लाह जानवर का, ये देखो वाह, मतलब ये है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जानवर, झालर भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है इसका, देख रहे हो अल्टीमेट, मतलब मलाई अलग अलग लेवल का। तो ये जो फॉर्म का क्वालिटी है, जैसे ये पोर्शन का मुझे देखने को मिल रहा है, इतना भारी कि मैं क्या बताऊँ। फेस देखो एक बार, फेस देखो माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये दूसरा नंबर जानवर है जो आपको दिखा रहा हूँ झालर, लास्ट बार आप लोगों को पीछे का चौड़ाई जो है वो दिखाते हैं। माशाल्लाह यार ये फ्रेम देखो, ये वाला, ये पोर्शन से ये जो व्यू आ रहा है, हर एंगल से हर एतबार से आपको अलग अलग व्यू में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, चलो देख रहे हो चौड़ाई, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसे कहते हैं टॉप क्वालिटी जानवर। अपने फार्म में अगर आप लोग ये टॉप क्वालिटी जानवर रखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ये देखो भारीपन देखो इस पोर्शन का, सिर्फ क्या बोलोगे इसके बारे में। तो भैया का भी हाइट जो है देख सकते हो भैया, अगर इस जानवर का हाइट को मतलब कंपेयर किया जाए भैया से, तो भैया से भी ऊपर है, गारंटी लिखवा लो, देख रहे हो माशाल्लाह। तो मैं आपको डिटेल्स दे चुका हूँ कि ये गाबिन नहीं है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर पूछेंगे भाई ये कि गाबिन है, तो ये गाबिन नहीं है भैया, अपने से बोल दिया है ना भैया गाबिन नहीं है। तो चलो ये फारूक भाई का जो क्वालिटी है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, पीठ का चौड़ाई से आपको इसका भारीपन समझ में आता होगा। और दूसरा नंबर हो गया दोस्तों जो मैं आप लोगों को दिखाया, अब मूव करते हैं तीन नंबर जानवर की तरफ। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट जानवर आप सबके सामने आने वाला है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कह सकते हो तुम लोग, सबसे बड़ा कंकराज है ये इस फार्म का, और एकदम मतलब समझ सकते हो गेंडा हो रहा है, बहुत बेहतरीन है। अगर मुझसे पूछोगे वन ऑफ द फेवरेट चीज़ जो मुझे फारूक भाई का फार्म में यूनिक चीज़ जो लगता है वो ये है भाई, मुझे बहुत पसंद है ये कंकरा, चूँकि जब मैं फर्स्ट बार आया था तब भी इसको कवर किया था, और अभी मुझे काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है माशाल्लाह। तो आओ अब आपको दिखाते हैं द बिगेस्ट कंकराज ऑक्स ऑफ फारूक भाई कैटल फार्म दानकुनी। ये रहा आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या बोलोगे इसके बारे में तुम लोग, वन ऑफ द टॉप क्वालिटी तुम लोग कह सकते हो इस जानवर का, क्योंकि भाई इसका जो भारीपन है ठीक है वो बहुत ही यूनिक चीज़ है, और मुझे लग रहा है कि ये आने वाले जो दिनों में ये सुपरस्टार होगा, क्योंकि इसका जो एक बार भाई मतलब पूट की तरफ गौर करो यार, मैं क्या बोलूँ, पूट देखो यार, पूट देखो, मतलब ऐसा जानवर तुमको कहाँ देखने को मिलेगा कि इतना कॉम्पैक्ट फ्रेम में इतना बड़ा सलामी के साथ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस पार्ट्स में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि शफान डेरी फार्म में जो है ऐसा ही एक कंकरास था, लेकिन उसका भी इतना बड़ा पूट नहीं था, उससे भी बड़ा पूट इसका है। ये देखो क्वालिटी देख रहे हो, अब थोड़ा फेस की तरफ आपको दिखाते हैं, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कहते हैं टॉप क्वालिटी कंकराज क्वालिटी, ठीक है। और ये जो जानवर है मैं आपको कहना चाहता हूँ 2023 में भी जो है तैयार होगा, ठीक है, कि आने वाले दिनों में ये सच बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ा फ्रेम का जानवर निकल के आएगा, लिखवा लो मुझसे। और जब मैं पिछली बार आया था तो इसका काफ़ी सारा शॉट्स छोड़ा था, और जितना शॉट्स छोड़ा उसमें 15,000-20,000 व्यू, तो इसका क्रेज़ काफ़ी है, ठीक है। देख रहे हो चौड़ाई देखो गर्दन का, ये देखो विथ माशाल्लाह, गर्दन का चौड़ाई से ही आपको समझ में आता होगा कि जानवर का क्वालिटी किस लेवल में, किस लेवल में। चांद शेप का जो है पूरा का पूरा सिंग है, और काफ़ी एग्रेसिव है माशाल्लाह। ये देखो ये फ्रेम से अब आप लोग जानवर हर एंगल से आपको बदल के दिखा रहे, ताकि आपको इसका क्वालिटी समझ में आए, है ना माशाल्लाह। ये जो पोर्शन है इसका, ये देखो ये जो पूरा राउंड हुआ है, यही इसका वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है तुम लोग कह सकते हो, ठीक है माशाल्लाह भाई। तो ये फुल फ्रेम में कुछ आपको जानवर दिख रहा है, और झालर की बनावट देखो, खूबसूरती देखो चेहरे की, सलामी का जो विथ लेंथ में देखो कितना ज़्यादा सलामी, तो माशाल्लाह। और ये फर्स्ट विजिट में ही हमको काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिला, तो दिल खुश हो गया मेरा देख करके ये।
क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट कंकराज कह सकते हो फारूक भाई का है ये वाला। ये देखो कुछ सामने का व्यू देखो आप लोग, ये सामने से आप लोगों को फ्रंट व्यू में आपको दिखा रहे हैं। गर्दन का चौड़ाई उसके साथ पूंछ की बनावट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख रहे हो पीछे का ओल भाई, ओए होए होए। तो ये जो है भाई इसका कोई नाम रखेंगे अच्छे सा, ठीक है ये साल। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ नाम गेस करो जो इसका रखा जाए, तो उसी हिसाब से इसका नाम भी हम लोग जो है वो रखेंगे। पूंछ देखो यार माशाल्लाह कहाँ जा रहा है पूंछ। तो ये सब जो है प्रीमियम जानवर है जो कि फारूक भाई जो है वो अपने फार्म में जो है वो रखे हैं। देख ही सकते हो यार जो बनावट है इस जानवर का वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो नेचर का ब्यूटी में जो है ये वाला पूरा बीच में आपको ये जानवर दिखाया जा रहा है, तो एक अलग सा खूबसूरती जो है इसका दिख रहा है। भारीपन बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है, और आने वाले दिनों में तो और आग हो जाएगा। ये देखो, तो व्लॉगिंग देख ही चुके हैं ना, अब थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स भी इन्जॉय करो, उससे भी आप लोगों को जो है पता चलेगा। पीठ देखो यार, एक हाथ रख देंगे पूरा पीठ में तब भी कवर नहीं होगा ये वाला पोर्शन माशाल्लाह। तो चलो अब इसका जो है आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स इन्जॉय करो, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि जानवर का क्वालिटी जो स्किन का है वो बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। और जब देख सकते हो यार, मतलब शाइनिंग ही अलग है, जब लाइट पड़ रहा है तो क्या ही शाइन आ रहा है। इसे कहते हैं बहुत भारी जानवर, और मैं लिख के दे सकता हूँ ये जब जानवर आने वाले एक दो महीने में कहाँ जाएगा वो आप लोग खुद देखिएगा, लिख के दे सकता हूँ मैं आपको, बहुत अल्टीमेट बनेगा। शाइनिंग ही अलग आ रहा है दोस्तों, देख रहे हो शाइनिंग पीठ का, देखो दो शाइनिंग जो है वही मैटर करता है दोस्तों, आपका फार्म का क्वालिटी कितना अच्छा मेंटेन हो रहा है माशाल्लाह। जब दूर खड़े हैं तब जानवर थोड़ा रिलैक्स हो गया है, वैसे मैं जब सामने था तो थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था, एग्रेसिव मूड में था, जब मैं दूर आया हूँ तो एकदम नॉर्मल खड़ा है, जिसकी वजह से इसका जो पीठ का जो चौड़ाई है वो आपको यहीं से दिखता होगा, तो मैं आपको दिखा दिया। तो भाई चलो यहीं पर जो है ये पार्ट को एंड करते हैं, फर्स्ट पार्ट को, और ये थर्ड जानवर आप लोगों को मैंने दिखाया, ठीक है। ये देख सकते हो मेरे पीछे है माशाल्लाह, जो क्वालिटी कंकराज का बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो ये थर्ड नंबर कंकराज आप लोगों को दिखाए हैं, और यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, इसका अदर पार्ट्स आएगा फारूक डेयरी फार्म का। और देख सकते हो माशाल्लाह क्वालिटी कंकराज है,
तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं इस कंकराज के साथ पार्ट वन को आप लोगों के साथ, बहुत जल्द हम पार्ट टू के साथ, और बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, एक लाइक आपका मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर अभी तक के नहीं किए, और इस वीडियो को शेयर करो, दिखाओ कि दानियल भाई जो है, फारूक भाई का जो है 2023 कलेक्शंस का जो है व्लॉग दिए हैं। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट व्लॉग में, इस कंकराज के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से पार्ट टू व्लॉग के साथ फारूक डेयरी फार्म का। तब तक के लिए दीजिए हमें अलविदा, शुक्रिया।